खरगोन शहर के बिस्टान रोड पर संचालित हो रही गंगा दास जिनिंग फैक्ट्री पर बुधवार को विभिन्न विभागों के संयुक्त अमले ने डिप्टी कलेक्टर ओम नारायण सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई कर करीब 23,000 किलो तेल सहित कारखाने को सील किया। डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि मित्तल आइल मिल और गंगा दास फायरवर्क्स पर कार्रवाई की गई है। यहाँ गंगा दास फायरवर्क्स पर मित्तल आइस मिल का तेल भंडारण किया गया था। शुरुआती जांच में यहाँ पाम, सरसों, मूंगफली और सोयाबीन मिलावटी होने की आशंका में गोडाउन सहित मशीनें सील की हैं। यहाँ बिना पैकिंग लाइसेंस तेल पैकिंग किया जा रहा था। इसके अलावा फैक्ट्री में करीब 19 क्विंटल गेहूँ भी मिला है। इस मामले में कृषि मंडी को दस्तावेजों की जाँच के निर्देश दिए गए हैं। कार्यवाही में नापतौल, खाद, श्रम, खाद एवं औषधि एवं कृषि मंडी का अमला शामिल था। यहां करीब 15 लाख रुपए का तेल सील किया गया है। दस्तावेजों की जांच के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये क्या किस प्रकार कार्रवाई सर मौके पे पहुंचे हैं आपको? माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश थे, संबंधित ये मित्तल ऑयल मिल और गंगा ये है ट्रेडिंग, इसके यहाँ की प्राइमरी तौर से शिकायत थी, उसके आधार पर माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार कार्रवाई के लिए आए हैं। किस प्रकार कार्रवाई हो रही है वर्तमान में? करीब करीब संयुक्त कार्रवाई है, इसमें फूड सप्लाई, फूड ड्रग कंट्रोल, मंडी, लेबर, नापतोल, एमपीबीएसी, 6-7 विभागों की संयुक्त कार्रवाई है। इसमें जो कुछ चीज़ें हमको आइडेंटिफाई हुई हैं जिस शिकायत में, तो उसके आधार पर हमने उसको आइडेंटिफाई करा है और उसके अंतर्गत कार्रवाई की गई है। किस प्रकार की वर्तमान अनुमति पाई गई? एक तो अनकंडीशनल जगह पर जो ऑयल बन रहा था, इसमें अलग अलग वेराइटी के थे, सरसों का ऑयल थे, मूँगफली ऑयल है सर, ये क्या बोलते हैं आपका, इसका पाम ऑयल है, मतलब ऑयल की बहुत सारी वैरायटी मिली है जो उनके लिस्टेड से अनुकूल नहीं है। और जो एक और सबसे बड़ी खासियत यहाँ मिली है कि जो प्रिंटिंग वहाँ पर जो पैकिंग हो रही थी उसका लाइसेंस नहीं है, मतलब मशीन एक तरह से अवैध चलाई जा रही थी। कितना जो मटेरियल से जब्त हुआ, कितने की लागत था, कितना? उसकी पूरी लिस्ट है हमारे पास, करीब करीब 15 लाख के आसपास अभी हमने मटेरियल जब्त करा है और उसके अतिरिक्त और चीज़ों भी जब्त की गई है। गेहूँ भी जब्त किया? गेहूँ हाँ, करीब करीब 1800 से 1900 क्विंटल गेहूँ आइडेंटिफाई करा है, जिसके लिए मंडी आए हैं और DSO साहब हैं, और अभी हम उसको पेपर वगैरह उनसे मांगे गए हैं कि ये जो गेहूँ है वो कहाँ से इन्होंने प्राप्त करा है, क्या क्या यूज, उसके लिए हमने प्रपत्र मांगे गए हैं। क्या आशंका लग रही है गेहूँ को लेकर? ये प्राइमरी फेसी में है, अपन किसी चीज़ को नहीं कह सकते, लेकिन जो भी है वो अपने कागज देंगे। मंडी वालों ने कहा कि इसको ट्रेडिंग का लाइसेंस है, वहाँ से वो परचेस करता है और करता, तो उसके संबंध में हमने इनसे कागज मांगे हैं, मंडी से बिल्टी वगैरह और कागज मांगे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय के नॉलेज में हर चीज़ है, उनके आदेश से ही अपन ने जो स्थिति है नजर आई है, ऐसा लगता है कि मिलावटी तेल जो बाजार में जा रहा था उसकी तेल की संख्या, हाँ क्यों नहीं, उसमें मतलब वो कंडीशन तो दिखी है मिलावटी तेल से रिलेटेड थोड़ा इशू, और कुछ जो एक कंडीशन है FCCI का जो कंडीशन है उस मानकों के विपरीत भी कुछ चीज़ें यहाँ पाई गई हैं। ऐसी क्या कार्रवाई हुई? आम व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला भी है, इस तेल से नुकसान भी हो सकता है? हाँ क्यों नहीं, फूड और ड्रग कंट्रोल ऑफिसर ही हमारे हैं, इन सब लोगों ने कार्रवाई करी और संबंधित मामले में। खरगोन से ब्यूरो चीफ सलाम अंसारी की रिपोर्ट।